तो दोस्तों आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं आलू और सूजी का बहुत ही चटपटा सा नमकीन। बेसन के नमकीन तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरीके से सूजी और आलू का नमकीन बनाकर देखिए, जो बनाना भी आसान है और खाने में भी बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। एक बार बनाकर एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखें तो ये महीनों तक खराब नहीं होते। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस जलाकर कढ़ाई चढ़ा दें और कढ़ाई चढ़ाकर उसमें पानी डाल देते हैं। घर का कोई भी कटोरी या गिलास मैनेजमेंट के लिए रख सकते हैं। तो हम छोटी कटोरी से 3 कटोरी पानी डाल दें, 1 चम्मच चीनी डाल दें और आधी छोटी चम्मच नमक डाल दें। नमक चीनी डालकर इसे करछी से मिला लेते हैं ताकि पानी में नमक और चीनी अच्छे से मिल जाए। जब दोनों पानी में मिल जाए तब हम इसमें सूजी डाल देते हैं। जिस कटोरी से हम पानी डाले थे ना, उसी कटोरी से हम सूजी डाल देते हैं 2 कटोरी, और सूजी डालकर गैस का आँच कम करके इसे चलाते हुए पका लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूजी पानी पीती है, इसलिए ये देखिए 2 ही मिनट हुए हैं और ये सूजी पानी पी चुके हैं, यानी कि सूजी भी पक चुके हैं और ये कढ़ाई में भी चिपक रहे हैं। तो जब ये कढ़ाई में चिपकने लगे, जब सूजी पक जाती है तो कढ़ाई में चिपकने लगते हैं, तब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं। अगर आप घी खाते हो तो इसे ज़रूर डालें, वरना अगर नहीं खाते हो तो घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं। घी डालकर इसे 1 मिनट तक अच्छे से मिला लेते हैं। इससे है कि आपके कढ़ाई में चिपके भी नहीं और आपके नमकीन खासते कुरकुरे बनेंगे। तो देखिए 2 मिनट पहले पका लिए थे, 1 मिनट घी डाल के इसे अच्छे से मिला लिए हैं। तो ये अच्छे से एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। अब इसको ढक्कन से ढककर चूल्हा बंद कर देते हैं। अब 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए थे, उसे हम कद्दूकस कर दें और कद्दूकस करके इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। इस तरीके से ऐसे मैश करने से कि हमारे नाश्ते में बड़े गुलठे नहीं रहते हैं। अब सूजी को देख लेते हैं, तो सूजी भी ठंडी हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी गर्म है। तो इसको आलू में डालकर, आलू वाले बॉल में डालकर इन दोनों को पहले हम मिला लेते हैं। ये मेरे बर्तन थोड़े छोटे पड़ रहे हैं क्योंकि हमें मिलाने में नहीं बन रहे हैं, तो अब हम बड़े बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और ट्रांसफ़र करके इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। आलू और सूजी का नमकीन बनाना बहुत आसान है, बस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके सूजी आलू के नमकीन बहुत अच्छे टेस्टी बनेंगे। बेसन से भी अच्छे टेस्टी बनते हैं। जैसे इसको गूंथना और इसमें मटेरियल डालना, इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके नमकीन बहुत अच्छे टेस्टी बनेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हमने सूजी को अच्छे से गूंथ लिए। अब हम ये मशीन लिए हैं नमकीन बनाने वाले, तो पहले हम इसका हैंडल खोल लेते हैं। मशीन का हैंडल खोलकर इसको साइड में रखते हैं। अब जाली वाले पार्ट को भी खोल लेते हैं और खोलकर देखिए जाली में जो लॉक लगे हुए थे इसको साइड करते हैं और जाली निकाल कर देखते हैं, क्योंकि हमें नमकीन बनाने हैं तो नमकीन में बहुत सारे जाली रहते हैं, तो हमें सारे जाली हमें नहीं निकालनी है। वैसे तो नमकीन 2-3 डिज़ाइन में बनते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आज हम बहुत जल्दी में बनाने वाले हैं तो एक ही डिज़ाइन से बनाएंगे, ये महीन वाले डिज़ाइन। उस पर जाली को इसमें रख कर पहले हम चिकनाई लगा लेते हैं, उसके बाद मशीन में भी चिकनाई लगा लेते हैं। इससे है कि जो सूजी डालेंगे तो इसमें चिपकेंगे नहीं। अब जाली को एक तरफ सेट कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं और मशीन को सीधा रख देते हैं। हैंडल को पहले साइड में रखेंगे। अब सूजी को लेकर थोड़ा सा ऐसे लंबा कर लेते हैं और लंबा करने लगे तो जब हाथ में नहीं चिपक रहे हो तो समझिए कि ये परफेक्ट है। अगर हाथ में चिपकने लगे तो समझिए कि गीले हैं, तो आपके नमकीन अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए इसे टाइट ही रखने हैं। अब मशीन में डालकर हैंडल को बंद कर देते हैं और हैंडल को बंद करके अच्छे से बंद करेंगे। उसके बाद इस हैंडल को ऐसे ऐसे दबाएंगे, धीरे धीरे से हल्का हल्का दबाते जाएंगे, तो नीचे से ये मेरे नमकीन बनने लगेंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें दबाना है। अब हम गैस जलाकर कढ़ाई चढ़ा दिए, तेल हल्का सा गर्म है, तो हल्के तेल में हमने थोड़े से काजू ले लिए थे, छन्नी पर रख देते हैं, 2 भाग में कट करके रखे हैं लंबाई में, और छन्नी में रखकर इसको हल्का सा रोस्ट कर देते हैं, यानी कि हल्का सा कच्चापन निकाल लेते हैं, ज़्यादा हमें नहीं पकानी है। ये देखिए हल्के से कच्चापन निकल चुके हैं तो इसे निकाल लेते हैं। ये थोड़ी से बादाम भी लिए, इसको भी बीच से कट करनी है लंबाई में, कट करके इसको भी छन्नी में ही रखेंगे और ऊपर नीचे करेंगे ना 1-2 मिनट तक ले, तब ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, तो इसे भी निकालें। 1 छोटी कटोरी से मूंगफली लिए हैं और मूंगफली को भी इसी तरीके से छन्नी में रखकर ऊपर नीचे करेंगे। अगर तेल में डालकर इसे फ्राई करेंगे तो ये थोड़े ज़्यादा लाल हो जाते हैं और ज़्यादा लाल हो जाते हैं तो कड़वे लगते हैं, इसलिए छन्नी पर ही रखकर निकालें। और 10 से 15 कढ़ी पत्ते लिए थे, उसे भी फ्राई कर दें। अब तेल गर्म हो चुके हैं नमकीन बनने के लिए, तब मशीन में तो भरे हुए थे ही,
तेल के आगे रख कर, यानी कि कढ़ाई में रख कर, इसको मशीन को हैंडल इस तरीके से ऐसे चलाते जाएंगे, धीरे धीरे हैंडल को दबाते जाएंगे और मशीन को घुमाते जाएंगे। तो ये देखिए नमकीन बनकर तैयार हो चुके हैं। जब 10 से 15 सेकंड हो जाए तो करछी से इसे उलट पलट देते हैं और पलट के थोड़ी देर और इसे फ्राई होने देते हैं। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए, यानी कि हल्का सा ये गोल्डन हो जाए, तो इसे छन्नी से छान लेते हैं। हमें ज़्यादा गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं, बस हल्का सा करना है। तो इसी तरीके से सारे हमने नमकीन को छान छान के रख लिए, कितने पहाड़ से बन गए हैं। अब एक गहराई वाले बर्तन ले लें और गहराई वाले बर्तन में इस नमकीन को ऐसे हल्के हल्के से क्रश कर देंगे, तो ये बहुत खास्ते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और तोड़कर हम इसे रख लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट, जो ड्राई फ्रूट अभी अभी फ्राई करके रखे थे ना, उसे डाल देते हैं सारे के सारे। हम ड्राई फ्रूट थोड़े से ज़्यादा रखे हैं। अब मसाले डालते हैं, तो भुने हुए जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच और तीखा लाल एक चम्मच डाल देते हैं, क्योंकि तीखा लाल से कलर बहुत अच्छे आते हैं। चाट मसाला आधी छोटी चम्मच और काला नमक आधी छोटी चम्मच डाल दिए। डालकर इन सभी को अच्छे से मिला लेते हैं। मार्केट का नमकीन तो बहुत बार लाकर खाए होंगे, एक बार सूजी आलू का नमकीन इस तरीके से बनाइए पूरे शुद्धता के साथ। तो ये मेरे नमकीन बनकर तैयार हो चुके हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।